डियर स्टूडेंट साहब, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट चैप्टर नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट एमसीक्यूज। और ये पीपीएससी में भी आते हैं सारे जो आपके एग्जाम्स हैं, जो आप एंट्री टेस्ट वगैरह या किसी सिलेक्शन के लिए देते हैं, तो इसमें मोस्टली आस्क्ड जो एमसीक्यूब हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूब है माइलोपेक्टिन स्टार्च हैज। तो ये जो माइलोपेक्टिन होती है, आपको पता है स्टार्च के अंदर दो यूनिट होते हैं, एक माइलोस, उसमें सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है। दूसरा जो यूनिट होता है स्टार्च के अंदर, वो माइलोपेक्टिन है। तो माइलोपेक्टिन के अंदर दोनों अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी है और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी है। तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये स्टेट चेन पॉलीमराइजेशन करती है, और जो अल्फा 1,6 है ये ब्रांच लेके आती है स्टार्च के अंदर। आपको पता है स्टार्च के अंदर ब्रांचेज 24 से 30 रेजिड्यू या 20 से 30 रेजिड्यू के दरमियान आती हैं। तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर होता है माइलोपेक्टिन का, ठीक है। लेकिन जो माइलोज होती है वो स्ट्रेट चेन होती है, ये तो सिंपल है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है, वो वाटर सॉल्युबल भी होती है, लेकिन ये वाटर इनसॉल्युबल होती है ये जो माइलोपेक्टिन है। ऑल आर ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस, यानी कि ये सारे गैग्स हैं एक्सेप्ट काइटन। काइटन जो है वो गैग नहीं है, क्यों? क्योंकि काइटन जो बना होता है वो एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन है, यही जो है यूनिट बार बार इसके अंदर रिपीट होते हैं काइटन के अंदर। ये होमोपोलीसेक्राइड है और ये जो चार है ये हेट्रोपोलीसेक्राइड है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो काइटन है। प्रोटियोग्लाइकेंस कंपोज्ड ऑफ कोर प्रोटीन एंड ए ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस, ठीक है। प्रोटीन के साथ जो गैग जुड़े होते हैं तो उसको हम प्रोटियोग्लाइकेंस कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एसोमर्स ऑफ स्टेट ग्लूकोज इज इन फिशर प्रोजेक्शन भी हो सकता है या स्ट्रेट चेन प्रोजेक्शन। तो अगर स्ट्रेट चेन प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन है, तो उसमें चार कायरल कार्बन होते हैं, आखिरी और पहले को छोड़ के बकाया सारे कायरल कार्बन होते हैं। तो चार कायरल कार्बन होते हैं, तो वोंट ऑफ रूल लगाते हैं इधर हम 2^4, तो ये 16 इसके एसोमर बन सकते हैं। वोंट ऑफ रूल क्या कहते हैं कि जितने कायरल कार्बन बढ़ते जाएंगे उतने एसोमर बढ़ते जाएंगे। तो उसने 2^n जो है रिप्रेजेंट किया था, और n जो है वो कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। जितनी l की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी उतने कायरल कार्बन उतने एसोमर बढ़ते जाएंगे किसी भी चीज के। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज अगर रिंग स्ट्रक्चर में है तो एक कायरल कार्बन बढ़ जाता है, पहले चार होते हैं फिर पांच बन जाते हैं। तो अगर रिंग स्ट्रक्चर यानी कि हवार्थ प्रोजेक्शन है तो नंबर ऑफ एसोमर्स डबल हो जाएंगे इसके। आगे विच पेयर्स आर इंटर कन्वर्टेड इन द रूट ऑफ म्यूटारोटेशन। म्यूटारोटेशन वो होती है जिसमें अल्फा और बीटा फॉर्म किसी एक मोनोसैकेराइड की दोनों पाई जाए, ठीक है, एक सोल्यूशन के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं म्यूटारोटेशन। तो ग्लूकोज के अंदर ये अल्फा डी ग्लूकोज भी है और बीटा डी ग्लूकोज भी है, तो ये जो है ना ऑप्शन ठीक होगी जिसमें अल्फा फॉर्म भी होगी एक मोनोसैकेराइड की और बीटा फॉर्म भी होगी किसी मोनोसैकेराइड की। इन विच केस टू कार्बोहाइड्रेट आर एपीमर, ठीक है। अगर वो एक कायरल कार्बन के लिहाज से एक दूसरे से डिफर कर रहे हों तो वो कहलाता है एपीमर। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज को मैनोज के कंपैरिजन में देखें तो ग्लूकोज के अगर सेकंड कार्बन के कायरल का सेकंड जो कार्बन होता है जो फर्स्ट कायरल होता है लेकिन सेकंड कार्बन होता है अगर उसके ऊपर हम पोजीशन चेंज करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोजन की तो जो ग्लूकोज है वो मैनोज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एपीमर बनते हैं किसी भी चीज के अगर कायरल कार्बन के ऊपर किसी भी कायरल कार्बन के ऊपर ग्रुप्स की पोजीशन चेंज होती है। विच इज द बेस्ट स्टेटमेंट फॉर फ्रक्टोज, इट हैज़ लोएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ ऑल द नेचुरल शुगर, ठीक है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सब दूसरी शुगर से कम होता है। अगला है कि एक 20 साल बंदा है, वो आता है
हॉस्पिटल में उसको कॉम्प्लिकेशन है डायरिया का, ऑब्डोमिनल पेन का, जब भी वो दूध पीता था तो उसको ये फीलिंग्स आती थी। तो किस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है? लैक्टेज एंजाइम की। लैक्टेज की क्यों डेफिशिएंसी है? क्योंकि मिल्क के अंदर जो शुगर होती है लैक्टोज, वो 4.5 से लेके 5% तक होती है। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट रेशियो होती है, ह्यूमन के अंदर 5% होती है। तो अगर बेबी रोता है दूध पीने के बाद या उसको डायरियल फीलिंग आती है, तो उसको मतलब है उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसके अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस हो रहा। अगर लैक्टेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस हो रहा था तो जो लैक्टोज है वो डाइजेस्ट नहीं होगी, तो वो लैक्टोज आएगी आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पे फर्मेंटेशन होगी और गैसेज भी प्रोड्यूस होंगी और एसिड भी प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से पीएच कम हो जाएगी और डायरियल फीलिंग आएंगी, एब्डोमिनल, और बार बार वोमिटिंग भी आ जाती है। विच कंसिडर टू बी एनोमेरिक पेयर? एनोमेरिक पेयर वो होते हैं जिसमें अल्फा फॉर्म भी हो, बीटा फॉर्म भी हो, ठीक है, तो उसको हम एनोमेरिक पेयर कहते हैं। तो एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है जो रिंग बनने से पहले एक कायरल होता है, लेकिन जब रिंग बन जाती है वो भी कायरल हो जाता है। मसलन ग्लूकोज के केस में फर्स्ट कार्बन जो है वो रिंग बनने से पहले एक कायरल नहीं था, एक कायरल था, लेकिन जब रिंग बन जाती है तो उसके ऊपर भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं। तो कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कार्बन जो रिंग बनने से पहले फंक्शनल कार्बन भी होता है और एक कायरल भी होता है, लेकिन रिंग बनने के बाद वो कायरल हो जाता है, उसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। उसके ऊपर अगर ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हो जाती है तो अल्फा बीटा में चेंज हो जाती है और बीटा अल्फा में चेंज हो जाती है। ऑल ऑल ग्लूकोज कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट इनोलिन जो है वो फ्रक्टोज वाला है, उसके अंदर फ्रक्टोज होती है, गाया साहब में ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज होती है, स्टार्च में भी ग्लूकोज, डेक्सट्रिन, डेक्सट्रिन, सेलुलोज, इन सब में ग्लूकोज होती है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ग्लूकोज एपिमेरिक फॉर्म? जो गैलेक्टोज है, अगर ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के ऊपर ग्रुप्स की पोजीशन चेंज करें तो ग्लूकोज गैलेक्टोज में चेंज हो जाएगा, तो इसमें बी ऑप्शन आपको सही लगती है। व्हाई सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग? क्योंकि जो वो एंजाइम नहीं होता जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, तो पहली ऑप्शन ठीक है, यानी कि एंजाइम ही नहीं होता, सेलुलेज एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस होता, जो कि इनोलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, ट्रू है। ऑल ग्लाइकोसामिनो ग्लाइकेन कंटेनिंग यूरिनिक एसिड, यानी कि एसिड होता है उनके अंदर, एक्सेप्ट काइटन। काइटन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और ये होमोपोलीसेक्राइड है, इसमें यही यूनिट एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बार बार रिपीट होता है। द सूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ एंटायर कार्बोहाइड्रेट एंड डल्ट, ये 45 से 65% होता है, तो 45 से 65% होता है। द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन, ये 80-85 के राउंड होती हैं। इन ब्रांचिंग पॉइंट इन अमाइलोपेक्टिन आफ्टर 24 to 30 या 20 to 30 रेजिड्यू के दरमियान होती है, तो ये अगर 20 to 30 है या 24 to 30 है तो ये आंसर ठीक होगा। एक ग्लूकोज पॉलीमर सिंथेसाइज होता है ल्यूकोनास्टाक मेसेनटाइड की मौजूदगी में, कंटेनिंग सक्रोज सॉल्यूशन, तो वो कौन सा होता है? डेक्सट्रीन। डेक्सट्रीन एक ऐसा है जो हम ब्लड रिप्लेसमेंट थेरापी के तौर पर भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, लंबे अरसे तक ब्लड में रह सकता है, 2 से 3 दिन तक ये रह सकता है, तो इसको हमसे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं डेक्सट्रेन को। एक होता है डेक्सट्रिन, एक होता है डेक्सट्रेन, ये डेक्सट्रेन है जिसमें α1,6 भी होती है, α1,3 भी होती है, अल्फा ये सारी लिंकेजेस होती हैं। तो ये ल्यूकोनास्टाक मेसेनटाइड एक बैक्टीरिया है जिसको जब हम सुक्रोज के सॉल्यूशन में ग्रो करवाते हैं वो फ्रक्टोज को एज एनर्जी सोर्स यूज करता है और ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन करता है और डेक्सट्रेन बनता है। द रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज की जब रिडक्शन होती है तो सॉर्बिटोल प्रोड्यूस होता है, जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ग्लूकोरनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। द ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स ऑल एक्सेप्ट ग्लूकोकोसाइड, सॉरी ग्लाइकोसाइड,
ग्लाइकोसाइड नहीं बनते, ग्लूक एसिड सारे बनेंगे उसके। ग्लैक्टोज ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यील्ड ग्लैक्टिटोल। ये म्यूसिक एसिड है मेरे ख्याल से, ये गलत है ऑप्शन। ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये प्रोड्यूस होता है, म्यूसिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ए नेगेटिव बेनेडिक्ट टेस्ट इज गिवन बाय सुक्रोज। ये सारी जो रिड्यूसिंग शुगर है वो पॉजिटिव टेस्ट देती है बेनेडिक्ट, लेकिन अगर ये सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो ये नेगेटिव देगी। सेलिवन ऑफ टेस्ट किसके लिए पॉजिटिव आएगा? कीटोनिक शुगर, और कीटोनिक शुगर फ्रक्टोज है। ओसाजोन इज नेगेटिव फॉर सुक्रोज। ओसाजोन भी पॉजिटिव तभी आएगा जब रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड या रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड मौजूद है। तो सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है जिसका एक एनोमेरिक कार्बन फ्री हो, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। सुक्रोज में दोनों ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन और फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन दोनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होता, तो इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट इन द ग्लूकोज इन फिशर प्रोजेक्शन आर फोर, चार होते हैं, पहला और आखिरी नहीं होता, काइरल बकाया सारे काइरल होते हैं, तो काइरल कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन भी हम कहते हैं, ठीक है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सेलोबायोज। सेलोबायोज एक डाइसैकेराइड होता है, ये इसके बहुत से यूनिट सेलुलोज के अंदर होते हैं, हजारों की तादाद में इसके यूनिट सेलुलोज के अंदर होते हैं, तो सेलोबायोज के अंदर जो है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ राइबोज इन फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन के अंदर आखिरी और पहला कार्बन छोड़ दें तो तीन बनते हैं, तो इसके आठ एसोमर बनते हैं, 2^3 अगर तीन होगा तो इसके आठ एसोमर बनेंगे। ये इनोलिन, ये ग्लूकोज का नहीं है, बकाया सारे ग्लूकोज के हैं। एन ए ग्लाइकोन पार्ट प्रेजेंट इन द मिथाइल अल्कोहल इज मेथनल, ठीक है, मिथाइल ग्लाइकोसाइड के अंदर मेथनल होगा, जहरी बात है मिथाइल ग्लाइकोसाइड है तो इसमें मेथनल होगा। द सेम टाइप ऑफ ओसाजोन आर मेड बाय, जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं वो एक जैसे क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स जितने भी हैं वो सारे एक जैसे क्रिस्टल बनाते हैं ओसाजोन फिनाइल हाइड्राजीन क्लोराइड के साथ मिलके, तो इसमें ऑल ऑफ थ्री पेयर्स होगा जिसमें सारे मोनोसैकेराइड है। एसो माल्टोज एंड माल्टोज फॉर्म बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, माइलोपेक्टेन एंड ग्लाइकोजन, ये जिसमें स्टार्च के अंदर भी अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, माइलोपेक्टेन के अंदर भी अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ग्लाइकोजन के अंदर भी अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो सारे माल्टोज, माल्टोज में क्या होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और एसो माल्टोज के अंदर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज नॉट देयर इन अमाइलोज। माइलोज क्योंकि सिर्फ स्टेट चेन होता है तो इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, अल्फा 1,6 नहीं होती। इन विच स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोर्निक एसिड इज प्रेजेंट, ये हाइलोरोनिक एसिड होता है, इसमें अल्फा डी ग्लूकोर्निक एसिड मौजूद होता है और साथ में इसका एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है। मोनोसैकेराइड यूनिट ऑफ शुगर्स कैन बी सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, बकाया प्रोटीन वाली टेक्निक्स हैं। फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी ए कंपाउंड शुड बी एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक होगा तो उसमें जो है रोटेशन पॉसिबल होगी, अगर एसिमेट्रिक नहीं होगा यानी कि एक काइरल नहीं होगा तो वो उसके अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी उसी की होती है जिसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद होते हैं, ठीक है। विच मोनोसैकेराइड इज नॉट एन अल्डोज कंटेनिंग फ्रक्टोज, द रेफरेंस कंपाउंड यूज फॉर डी एंड एल फॉर्म इज ग्लिसरेल्डिहाइड। ग्लिसरेल्डिहाइड क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही काइरल कार्बन होता है स्ट्रेट चेन के अंदर, इसकी पॉसिबल ही स्ट्रेट चेन है, तो इसमें एक काइरल कार्बन होता है सेंटर वाला, तो उसके ऊपर अगर H एंड OH की पोजीशन में चेंज होती है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है तो डी ग्लिसरेल्डिहाइड, अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो एल ग्लिसरेल्डिहाइड, तो इसलिए ग्लिसरेल्डिहाइड
जो है रेफरेंस कंपाउंड है, एंड दिस इज द मोस्टली आस्क क्वेश्चन इन द बीपीएससी एग्जाम। द नेम ऑफ द कंपाउंड जिसके अंदर गैलेक्टोज बीटा 1,4 ग्लूकोज स्टैंड फॉर कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज इज जॉइंड बाय कार्बन 1 ऑफ गैलेक्टोज बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये उसने लैक्टोज की कंपोजिशन बताई हुई है। विच स्टेटमेंट कंसर्निंग डाइटरी फाइबर इज टू इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टाइंग, यानी कि गैस्ट्रिक की एम्प्टी जो पान है उसको ज्यादा कर देता है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ट्रिगर ए कैस्केड ऑफ कम्युनिकेशन विच रिजल्ट इन फास्फोरिलेशन, मिलियंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर होंगे तो फिर ये फास्फोरिलेशन करेंगे। Which of the following enantiomer pair, जिसमें डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज होगा, यानी कि एक ही मोनोसैक्राइड की डी फॉर्म भी होगी, 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म होगी, तो उसको हम एनेंशियोमर कह सकते हैं, या अगर 30% भी हो सकती है, 70% हो सकती है, तो वो एनेंशियोमर पेयर हैं। Which is a loading feature of the outer membrane of the cell wall of gram negative bacteria, lipopolysaccharide, और ये ज्यादा complex होती है lipopolysaccharide वाली cell wall, और इसके लिए जो antibiotic therapy भी है वो भी heavy चाहिए होती है, जो gram negative bacteria होते हैं उसके लिए जो antibiotic therapy है वो heavy चाहिए होती है, broad spectrum चाहिए होते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव के लिए क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकेंस के अंदर इतनी वैरायटी नहीं है तो इसके लिए इतनी कम्प्लेक्स हमें हैवी जो है एंटीबायोटिक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुक्रोज शुगर इज प्रेजेंट इन कैन शुगर के अंदर होती है, ये जो आप गन्ना वगैरह खाते हैं उसके अंदर होती है। द प्रोमिनेंट शुगर इन मिल्क इज लैक्टोज, 5% तक होती है लैक्टोज मिल्क के अंदर। ग्लूकोज एंड मैनोज ये एक दूसरे से एपिमर हैं और ये डिफर करते हैं एच एंड ओ एच पोजीशन पे बाय सेकंड कार्बन, मैंने आपको पहले बताया। ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट सुक्रोज, द रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ शुगर इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डायोल फ्री एनोमेरिक कार्बन जो होता है वो उस वजह से होता है। द फॉलोइंग आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एक्सेप्ट इनोलिन एंड काइटेन, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज विल गिव सॉर्बिटोज, एसोमाल्टोज इज फॉर्मड फ्रॉम स्टार्च इज मेड अप, इसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है दो ग्लूकोज के दरमियान। इनवर्ट शुगर मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इनवर्ट शुगर जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है तो सुक्रोज हाइड्रोलिसिस से पहले क्या होता है डेक्सट्रोरोटेटरी, लेकिन जब उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो वो लीवर रोटेशन शो करता है, तो सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं क्योंकि जब उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो पहले वो डी फॉर्म शो करता है, जब हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो फिर एल फॉर्म जो है प्रोमिनेंट हो जाता है। द यूनिट विच इज रिपीटेड इन हाइलुरोनिक एसिड ग्लूकोर्निक एसिड होता है, साथ में एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है, तो डी ऑप्शन ठीक है। ए पॉलीसेकेराइड फॉर्म बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सेलुलोज के अंदर, ये सेलुबायोज जो है उसके अंदर बीटा 1,4 डाइसेकेराइड है, तो सेलुबायोज जब बहुत से मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो सेलुलोज बनता है। द हाईली ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज ग्लाइकोजन, आप मैंने आपको बताया था कि स्टार्च में 24 से 30 रेजिड्यू के बाद ब्रांच आती है, लेकिन इसमें 12 से 18 10 से 18 14 से 18 रेजिड्यू के बाद ब्रांच आ सकती है। The molecule of lymphokines are made up of lymphocytes which are interferons होते हैं ये। The Ig concentration in plasma in of healthy individual 20% होती है, ठीक है। ये जो immunoglobulins है और glycoprotein contain, इसमें 82 to 96% जो है वो protein होती है और 4 to 18% इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो ये याद रखना, ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है पीपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पार्ट इन आईजी यानी कि इम्यूनोग्लोबिन आर सारे तो एक्ट एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट टू इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ आईजी इम्यूनोग्लोबिन बाय प्लाज्मा सेल टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डाइजेशन बाय ऑल इनवेडिंग बैक्टीरिया, तो सारी ऑप्शन इसमें ठीक है। The
ग्लाइकोलिटिक पार्ट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ग्लूकोज मैनोज फ्रक्टोज एंड एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एंड के ऊपर सियालिक एसिड होता है। तो ये याद रखना है, ग्लूकोज मैनोज फ्रक्टोज एंड एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड सियालिक एसिड, ये भी पूछा जाता है पीपीएससी के एग्जाम में मोस्टली। कहता है कि जो जो पीपल जिनके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो योगर्ट तो खा सकते हैं लेकिन मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले सकते, तो उनको ये जो योगर्ट आप खाते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। क्यों ये पॉसिबल है? क्योंकि इसकी इसके अंदर योगर्ट के अंदर जो लैक्टोज होता है उसकी पहले ही फर्मेंटेशन होती है, बैक्टीरिया में जो हम डालते हैं तो वो फर्मेंटेशन कर देता है, तो वो जो जब फर्मेंटेशन हुई होती है तो ग्लूकोज बना होता है, लैक्टोज बना होता है, तो फिर वो टॉलरेट कर जाता है क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज पेशाब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन लैक्टोज जो अगर नहीं है, लैक्टोज है तो वो पेशाब नहीं होगा, वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर प्रॉब्लम करेगा। विच शुगर इज यूटिलाइज इन हाइपोवोल्मिक शॉक? हाइपोवोल्मिक शॉक क्या होता है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है और ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और ब्लड अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, यानी कि ब्लड का वॉल्यूम इतना कम हो गया है के और अवेलेबल भी नहीं है, तो फिर हम कौन सी शुगर यूज कर सकते हैं? डेक्सट्रिन यूज कर सकते हैं, पॉलीसेकेराइड है, ये ल्यूकोनास्टाक मेसेनटेराइड बैक्टीरिया बनाता है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं ब्लड रिप्लेसमेंट थेरापी के अंदर। और ये इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्रेशर कम होता है, दूसरा ये लंबे अरसे तक ब्लड में रह सकता है, तीसरा ये जो है ये इतनी यानी कि हार्म नहीं काज करता ब्लड के अंदर। इन डिजीज ऑफ सेरिब्रल डीमा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज? ग्लिसरॉल यूज होता है, ग्लिसरीन को यूज करते हैं हम क्योंकि ये पानी को निकाल देता है ब्रेन के टिश्यू से। अच्छा, एक 20 साल यंग बॉय है, वो उसको सीवियर बर्न हो गया, ठीक है, उसको हम कौन सी ब्लड इन्फ्यूजन दे सकते हैं? डेक्सट्रिन दे सकते हैं। अभी मैंने इसका आपको फंक्शन बनाया, एसमाल्टोज एंड हाइड्रोलिसिस जिसमें दोनों ग्लूकोज होते हैं, सुक्रोज हैज ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जिसमें अल्फा वन बीटा टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। अल्फा वन जो ग्लूकोज की कन्फिग्रेशन होती है उसकी अल्फा होती है और फ्रक्टोज की बीटा होती है, विच इज एन एपिमर ऑफ ग्लूकोज विद रिस्पेक्ट टू कार्बन फोर ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज ग्लूकोज के अगर फोर कार्बन में चेंज आता है तो ग्लूकोज ग्लैक्टोज के अंदर चेंज हो जाती है। इन द टेक्निक ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द इनर्ट सब्सटेंस सॉल्यूशन व्हिच इज यूज्ड इन द इज मेड फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज से बनाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी, जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर है बॉडी के अंदर वो लीवर के अंदर होती है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है, लीवर और थोड़ी सी क्वांटिटी मसल्स के अंदर। ऑल आर एल्डोजिक शुगर एक्सेप्ट फ्रक्टोज। तो ये आपके मोस्टली आस्क क्वेश्चंस हैं, तो आपने अगर नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो सेल के ऊपर होगा, एमसीक्यू की डिस्कशन, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन, फिर एंजाइम्स, फिर न्यूक्लियोटाइड्स और फिर मेटाबॉलिज्म के ऊपर आएंगे। तो अगर ये सारे लेक्चर आप सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को बटन को प्रेस कर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू।